यहाँ औरत मार्च आई हूँ और जो पोस्टर्स हमारे आवाम के खड़ा था, जो ये तस्वीरें और आर्ट वर्क उन्होंने बहुत दिए थे और आर्ट वर्क उन्होंने बहुत खुशहाल से खड़ा था, हम उनको यकीनन कोई हम कोई डरते नहीं हैं और हम जानते हैं कि सिर्फ वो लोग डरते हैं जो ये पोस्टर्स और उनके बिल्कुल नॉन वायलेंट और अमन पुर अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग क्या करें यहाँ? हम जो हमारा म्यूरल था जो सबने हार दिया था, हम उसे फिर अप्लाई करने आए हैं बिकॉज वी डोंट केयर अगर आप तप रहे हैं हमारी आर्ट वर्क से। आप 5 दफ़ा फाड़ेंगे हम 10 दफ़ा लगाएंगे, आप यहाँ फाड़ेंगे हम यहाँ लगाएंगे, आप किसी और जगह फाड़ेंगे हम फिर लगा लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ आर्ट, क्या लगता है कि किसने फाड़ा होगा, ये किसने वैंडलाइज किया? आई डोंट थिंक आई शुड से इट ऑन कैमरा, बट बस फ्रेजाइल मेल ईगो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, बस मर्द एक खूबसूरत चीज़ है दरअसल। सो यार पेंट शर्ट पहनी है इसने और अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है इसे, तो ये बहुत प्रिविलेज्ड है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रिविलेज हो तो अगर आप उस प्रिविलेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी और के लिए जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है, तो आपके प्रिविलेज का फ़ायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से मर्द वो प्यारी चीज़ है जो ये प्रिविलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए खड़े हो, हमारे लिए नहीं खड़े हो ना, अपने लिए खड़े हो जाओ। लोग हमारे से पूछते हैं कि आप मर्दों से आज़ादी क्यों चाहते हो, हम मर्दों से आज़ादी नहीं चाहते, हम माशरे से आज़ादी चाहते हैं। जो मर्द को भी ओप्रेस करते हैं हमें भी ओप्रेस करता है, जो मर्द अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करता, सारी उम्र रोए बगैर अपनी सारी भड़ास निकाले बगैर ज़िंदगी जीता है वो क्यों करता है? और जो गरीब आदमी 18,000 की नौकरी कर रहा है या 600 पर दिन की दिहाड़ी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? उसको वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही जो एक CEO को या किसी अफसर को मिल रही है? ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे सिस्टम में, बहुत बड़ा फ्लॉ है और लोगों को नज़र नहीं आता। और लोग इमीडिएटली कहते हैं कि जी अगर औरत मार्च है तो वो औरतों के हकों के लिए, बिल्कुल औरतों के हकों के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ औरतों के हकों के लिए खड़े होते हैं, हम सबके लिए हकों के लिए खड़े होते हैं। आप आके पढ़िए, खुदा की कसम सबको पढ़ना आता है, एटलीस्ट जो लोग फाड़ के गए हैं उनको तो पढ़ना आता ही होगा।